जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप सभी झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन कर दिए हैं और लगातार आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसके फिजिकल कब होंगे, तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इस बीच यहाँ पे एक नई अपडेट निकल के आई हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी पता चलने वाली है, इसलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। अभी आप सभी जानते होंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पदों पर वैकेंसी निकल के आई, और वैकेंसी आने के बाद यहाँ पर उससे पहले उत्पाद सिपाही की यहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई थी। उसके फिजिकल करवाने को लेकर यहाँ पे ट्विटर पे काफी सारे कैंपेन वगैरह की गई, और साथ में यहाँ पे अपडेट भी ट्विटर के माध्यम से आया कि आखिर इसके फिजिकल जल्द से जल्द यहाँ पे करवाए जाए। और साथ ही झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी 4919 पदों पर आई थी, इसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चों ने आवेदन किए हैं। उन पदों की अगर मैं बात करूं तो उसका भी फिजिकल यहां पे अभी तक करवाने की बात कही जा रही थी, और यहां तक कि जो विदेश बच्चों का फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया है उनकी लिस्ट भी यहां पे जारी कर दी गई, जो कि बहुत सारे बच्चे देखकर यहां पे असंतुष्ट हुए। क्योंकि तो यहां पे बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, लाखों की संख्या में फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए हैं बिना सोचे बिना समझे। क्योंकि अगर आपके फॉर्म में जरा से भी गलती थी तो आपका फॉर्म यहाँ पे सीधे रिजेक्ट किया गया है, चाहे आप झारखंड निवासी हैं चाहे आप अदर स्टेट से ही क्यों ना रहने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा बच्चों के अंदर क्या बनता है कि आखिर फिजिकल इसके कब होंगे, क्योंकि पहले फिजिकल होगा, फिर आप सभी के एग्जाम होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, तो आखिर फिजिकल कब होंगे। तो देखिए, अगर फिजिकल की यहाँ पे बात की जाए तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल अब यहाँ पे डिले नहीं होंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर लगातार आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिए। लेकिन आज मैं आप सबको जो जानकारी देने वाला हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। बात की जाए तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की 4919 पदों पर जो वैकेंसी है इसका फिजिकल नेक्स्ट मंथ यहां पे शुरू होने वाला है, यानी अगस्त के महीने में आप सभी के फिजिकल यहां पे शुरू होने वाले हैं। अगर आप इस बात को लेकर यहां पे नज़रअंदाज करते हैं या फिर बाकी यूट्यूबर तरफ आप सोच रहे हैं कि ये तो बोलते रहते हैं या फिर फिजिकल नहीं होगा, तो इसका आपको यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिकल का समय यहाँ पे नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर रनिंग है, 1 घंटे के अंदर आपको रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आप जरा सा भी बिलीव करते हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे शुरू कर देंगे, चाहे आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं चाहे आप झारखंड के निवासी क्यों ना हो, आपको यहाँ पे तैयारी करने की अति आवश्यकता है। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। आप सभी का पहले दौड़ होगा 10 किलोमीटर, आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर। अगर आपका 1 घंटा 1 सेकंड भी लगता है तो आपको यहाँ पे क्लियर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। साथ में आप सबकी हाइट यहाँ पे मापी जाएगी 160 सेंटीमीटर, आपकी हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप सभी का चेस्ट जो है मिनिमम यहाँ पे 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आकर टकती है कि आखिर सिलेबस किस प्रकार से इसका रखा गया है। सिलेबस की बात की जाए यहाँ पर तो आप सभी के यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले हैं, और ये 2 एग्जाम जो होंगे आप सभी के एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम आपका आज होगा तो दूसरा एग्जाम आपका कल होगा, एक ही दिन में आपका 2 एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। और 2 एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान होते हैं। झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस में जाने के लिए, अगर आप सभी इच्छुक हैं तो आप याद रखना कि झारखंड पुलिस का जो यहाँ पे रनिंग होने वाला है मैंने बता दिया, फिजिकल के मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आप सभी के 2 एग्जाम होंगे, अगर पहले एग्जाम की बात की जाए तो आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज आने वाला है, काफ़ी सारे लैंग्वेज उसमें इंक्लूड है नोटिफिकेशन में। आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी अगर आपको जो भी भाषा आपको आता हो उसी ही लैंग्वेज में, ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन पहले पेपर में आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहने वाला है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रश्न पत्र की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आपका सारे पेपर यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से होने वाला है, OMR सीट पे आपके एग्जाम यहाँ पे होंगे। तो पहले पेपर की बात करें यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जो कि अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी ही सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी हमने चूज कर लिया तो हिंदी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे 300 नंबर के रहेंगे। तो इसमें हमको सिर्फ यहाँ पे पास होना पड़ेगा, यानी आपको बता दें कि आप सभी को यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 35 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट पेपर में पास माने जाएंगे। आपको अपने रीजनल लैंग्वेज वाले पेपर में आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है पेपर, और सेकंड पेपर जो होगा आप सभी का उसी के अकॉर्डिंग आप सबकी यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी। अगर सेकंड पेपर की यहाँ पे बात की जाए, सेकंड पेपर में आप सभी का 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के हिंदी के ही आने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो कि आप सभी के हिंदी के ही आने वाले हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ रहेंगे, और बाकी के 25 क्वेश्चन जो बच रहे हैं
वो भी आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं, तो आप इसको नज़रअंदाज न करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करिए। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको जो बताया यहाँ पे कि 50-25 क्वेश्चन, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आने वाले हैं, तो सेकंड प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो 50 क्वेश्चन आप सभी के हिंदी के रहेंगे और बाकी के 25 क्वेश्चन आपके जीके रहेंगे, 25 क्वेश्चन आप सभी के मैथ रहेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है और सेकेंड पेपर के अकॉर्डिंग ही आप सबकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो आप पेपर की तैयारी करते रहिए, सेकंड पेपर भी आप सभी का 100 क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी का एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम तैयारी करेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और फिजिकल तो आप सभी का नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे शुरू ही हो जाएगा। आप इसको नज़रअंदाज ना करते हुए इस बात को बांध लीजिए और इस महीने में आप सभी के लास्ट तक एडमिट कार्ड आ सकता है या फिर आप सबके एडमिट कार्ड भी अगस्त के महीने में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी के यहाँ पे जिसका भी फॉर्म गलत तरीके से अपलोड किया गया था उन सारे फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बस आप सभी की देरी है तो यहाँ पे फिजिकल का एडमिट कार्ड आने की। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, लगातार ट्विटर पे नई नई अपडेटें आ रही हैं, उस पर बात न करते हुए सीधे हम बात कर रहे हैं फिजिकल को लेकर। तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद।